साथियों, आज इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की तरफ ये पत्रकार परिषद है। इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी एक प्रगतिशील लिबरल सेकुलर मुसलमानों का एक राष्ट्रीय आंदोलन, एक राष्ट्रीय संगठन है। उसकी हाल ही में कल परसों दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, जहाँ की हमारी दो दिन की चर्चाओं में से बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए, एक राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ, एक राष्ट्रीय काउंसिल में बहुत सारे साथी जो पूरे देश भर में से आए थे, छः अलग राज्यों से 12 अलग अलग शहरों के लोग जमा हुए थे। और वो दो दिन की जो बैठक हुई, इसमें चर्चा अंदरूनी ज़रूरी थी, ताकि हमारा जो ड्राफ्ट डिक्लेरेशन है वो खुद 14 पन्नों का है। वो डॉक्यूमेंट एक सीरियस डॉक्यूमेंट है, जिसमें बहुत सारी गंभीर बातें हैं। उन्हीं सब बातों को लेकर वो आज आपके सामने होगा कि वहाँ क्या बातचीत हुई, हमारे मूल प्रस्ताव आपके सामने क्या है और हमारे कौन से कार्यक्रम आने वाले 3 साल के संघर्ष के मुद्दे होंगे। तो हमारे साथ जावेद आनंद, जो इस राष्ट्रीय आंदोलन के IMSD के हमारे राष्ट्रीय संयोजक है, नूरजा और नसरीन और इरफान इंजीनियर उसके को कन्वीनर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एंड आज ये पूरे IMSD और हमारे शालम भाई उत्तर प्रदेश से आए, इलाहाबाद से, वो भी हमारे साथ है इस पूरे आंदोलन में। तो आप उनकी तरफ से आज ये पत्रकार परिषद रखी गई है। इरफान भाई को निकलना है, वो माइनॉरिटी समिति में कार्यक्रम है, मगर आज आपके सामने उनका आना जरूरी था, आज उनसे रिक्वेस्ट था कि आप मिलकर जाइएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहाँ पे भी आए, मस्ती की बात करने के लिए। यस, तो साथियों, माइनॉरिटीज़ कमीशन आज माइनॉरिटीज़ डे है और माइनॉरिटीज़ कमीशन का प्रोग्राम है, उसमें जाना है तो आप लोगों की इजाज़त लेकर जाऊँगा। IMSD जो बना, मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी कदम है, इस देश के इतिहास में बैठा हुआ बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी कदम है। आज सब जो एक उदारवादी मुसलमानों की आवाज़, इलाहाबादी मुसलमान कम्युनिटी में बहुत है, उनकी आवाज़ संगठित नहीं है, और यही कोशिश IMSD के द्वारा, IMSD के माध्यम से ये कोशिश होगी। और हम हमारी लड़ाई जो कम्युनिटी के अंदर एक फंडामेंटलिस्ट आवाज़ है, उसको चैलेंज करने की और डेमोक्रेसी की, कम्युनिटी के अंदर जो डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, डेमोक्रेटिक राइट्स की ज़रूरत है, लिबरल जो पुरानी इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं, लिबरल ट्रेडिशंस, उनको वापस याद करने की और कम्युनिटी के सामने रखने की ज़रूरत है और उनकी आवाज़ बनने की ज़रूरत है। कम्युनिटी जानती है ये इतिहास, हम सिर्फ उन आवाज़ों को इकट्ठा करके, उन आवाज़ों को बुलंद करके, उन आवाज़ों को संगठित करके हम कम्युनिटी के पास जाएंगे, दुनिया के पास जाएंगे, और प्रेम, भाईचारा, जेंडर जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, इसकी आवाज़ ये इंडियन मुस्लिम सेकुलर डेमोक्रेसी बनेगी। सुमित के साथ आप लोगों की इजाज़त लेता हूँ। थैंक्स। ये बार बार सुनने को मिलता है, और ख़ास तौर से जितने बार बम ब्लास्ट होते हैं, तो बम ब्लास्ट चाहे इस देश में हो, चाहे वो बाजू के पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो, अफगानिस्तान में हो, पेरिस में हो, जहाँ भी हो, कुछ लोग करते हैं, मगर वो पूरे इस्लाम का नाम कहीं ना कहीं आ जाता है। और बार बार ये सवाल उठता रहता है कि मुसलमान आखिर चाहता क्या है, मुसलमान हैं कौन और आखिर चाहते क्या। तो जब बम ब्लास्ट होते हैं तो कभी ISI होता है, कभी ISIS होता है जिसको दाइश भी बोलते हैं, कभी अलकायदा होता है, कभी कौन सी मुजाहिदीन, कभी लश्कर तैयबा, क्या क्या होती है। तो उनकी इस्लाम की समझ क्या है, वो तो बहुत ज़ोरों से डिक्लेयर कर देते हैं और उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी आवाज़ से एक इस्लाम का पिक्चर इमेज सामने आता है,
دوسری طرف ذاکر نائک کی تنظیم ہے, ان کا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو پچھلے مہینوں میں بہت ساری خبر میں رہے ہیں, جو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا, اس میں کیا کیا جو تو ایکشن لیے گئے ابھی آپ کو وہ بھی پتہ ہوگا, تو میں وہ سب ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں, مگر سنکھپت میں کہوں کہ باقی ان کا چینل تو پیس چینل کے نام سے تھا, آج کی تاریخ میں وہ انڈیا میں بین, بلکہ اس سے پہلے بھی بین ہوا تھا, میرے خیال سے پرمیشن نہیں ملتی, کہتے تو ہیں پیس جو ہے تو ٹی وی پر مسلمانوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ کرسچن کو کرسمس ڈے پہ میری کرسمس کہنا بھی گناہ, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہندوؤں کو جو تو ہیپی دیوالی یا ہیپی ہولی بولنا وہ بھی گناہ, ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ جو تو انڈیا جیسے ملک میں, انگلینڈ جیسے ملک میں, جرمنی میں, امریکہ میں, فلانا یہاں وہاں سب جگہ جو ہے تو سیکولرزم ہونا چاہیے, مگر جہاں پہ مسلم میجورٹی ہے وہاں پہ ان کی کلپنا والا شدھ اسلامک اسٹیٹ ہونا چاہیے, مسلمانوں کو پوری دنیا میں جو ہے تو مسجد بنانے کا حق ہونا چاہیے, مگر سعودی عربیہ اور ہو سکے تو جتنے بھی مسلم میجورٹی کنٹری ہیں وہاں پہ ہندوؤں کو مندر بنانے کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے, سکھوں کو گرودوارے کا, کرسچن کو جو ہے تو چرچ کا کوئی پرمیشن نہیں ہونا چاہیے, تو یہ ان کا اسلام کا ایک دوسرا چہرہ ہے. پھر پچھلے دو چار مہینے میں ان کو تھوڑا بازو رکھ دیں تو اپنے انڈیا میں بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ, جمعیت العلماء ہند, جماعت اسلامی اور جتنی بھی آپ کو نام یاد آتے ہوں سب کو گن لیجئے, کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم سمویدھان کا رسپیکٹ کرتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ سمویدھان ہم کو جو ہے تو دھرم کی آزادی کا ادھیکار دیتا ہے, اور اس ادھیکار کے انترگت ہم کو مسلم مہلاؤں پہ جو ہے تو مرد کی ورچسوتا قائم کرنے کے لیے جب چاہے تب واٹس ایپ کے تھرو, ایس ایم ایس کے تھرو, اس کے تھرو ایک کھڑ میں طلاق بول دیا, سال کا رشتہ, 10 سال کا رشتہ, 20 سال کا رشتہ, عورت مسلم عورت سڑک, یہ بھی چیز. تو اس طرح سے یہ بار بار اس طرح کے میسج آتے ہیں ٹی وی پہ, آپ دیکھتے ہوں گے جب جو تو کوئی مسلم ایشو آیا تو ایک دو مولانا کو اٹھا لیا اور وہ اسلام کی وہی جو ہے تو ایسی ڈیفینیشن دیتے ہیں, ایسی پہچان بتاتے ہیں جس کو سن کے دیکھ کے ہم جیسے مسلمانوں کو بہت شرم آتی ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کا کسٹوڈین کہنے والے جتنا آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, مسلمان کو دنیا بھر میں بدنام کر رہے ہیں, اتنا اور کیا کرے گا, اور کوئی کیا کرے گا. ہم جیسے لوگ, صرف ہم ہی نہیں, ہم جیسے مسلمز اس دیش میں بہت سارے ہیں, ہمارا تو ماننا ہے کہ جو تو جس کو سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح سوچتی ہے, ہر ایک کے بولنے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے, چیزوں کو ویکت الگ کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے. اب کوئی مسلم اگر جو ہے تو ایک ہندو اس کا پڑوسی ہے جو بلائنڈ ہے, اس کو رامائن پڑھانے میں پورا سال, 2 سال 4 سال لگاتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو بھلے ہی سیکولر نہ کہے اور یہ نہ کہے اور وہ نہ کہے, پر اس کی مانسکتا, اس کی سوچ, بھائی چارہ, ہمدردی, آپسی میتری, دوستی, وہ اس میں جھلکتی ہے آٹومیٹک. تو ہم جیسے جو لوگ کچھ بولتے رہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں, کبھی ٹی وی پہ, کبھی میڈیا میں لکھ کے, کبھی سیمینار اس کے تھرو, ہم یہ ساری کی ساری پہچانیں جو ہیں اسلام کا جو امیج, ایس آئی ایس, القاعدہ, بوکو حرم وغیرہ وغیرہ دیتی ہے, لشکر طیبہ, یا مسلم پرسنل لا بورڈ, یا جمعیت العلماء ہند, یا جو ہے تو اس میں ایک کئی, ان کو ادر دوسرے شبدوں میں کہیں تو لیوڈ اسلام جسے کہتے ہیں, جس طرح اسلام دیا جاتا ہے, جس طرح ہندوازم دیا جاتا ہے, دوسرے دھرم دیے جاتے ہیں, تو اس میں نہ اس لیوڈ اسلام جو ہے وہ ایک نہیں, مینی اسلامس, ٹھیک اسی طرح جیسے کرسچینٹی میں دیر آر مینی کرسچینٹیز, دیر آر مینی ہندوازمس, دیر آر مینی بدھزمس وغیرہ وغیرہ. تو ہم یہاں, ہم لوگ جو اپنے اپنے استر پہ بول کر رہے ہیں, بہت ہم میں سے بہت سارے انڈیویجول کے سبوت سے, اور کچھ تو سنگھٹنا کے تھرو, بھارتی مسلم مہیلا آندولن کی نیوز جہاں ہے, ان کا پریچے دینے کی آوشیکتا نہیں, حاجی علی سب کے لیے ان کی سنستھا نے کیا کیا جیتا ہے,
सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक, हलाला, पॉलीगमी, ये सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होना चाहिए, वो पेटिशन ये भी लेके गई है। तीन मुस्लिम महिलाएं जो कि तलाक 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 की शिकायत है वो है, और दूसरी दो मुस्लिम महिलाएं हैं, तो संगठन के रूप से भी दूसरी आवाज़ें आती रही। हमें से ऐसे लोगों को लगा कि ये जिस तरह से वो दूसरी आवाज़ जो है तो ऑर्गेनाइज आवाज़ होती है, और ऑर्गेनाइजेशन जहाँ छोटा भी हो तो उनका बम जो है बहुत जोर से बोलता है, और या तो संस्था बहुत बड़ी है, हम जमात उलमा हैं पूरे हिंदुस्तान में, हमारे 5 करोड़ 25 करोड़ कितना भी हैं जमात इस्लामी है, एक्सपर्ट है, तो हम यहाँ कोई दावा करने के लिए बैठे नहीं हैं कि जो है तो हमारे पास भी 5 लाख या 25 लाख या 15 हज़ार लोग। हम खाली ये कहने के लिए बैठे हैं कि इस्लाम की एक अलग पहचान है, जो टॉलरेंट है, जो आपसी भाईचारा सिखाती है, के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं अलाउड होती है। ये इस्लाम, ये हम कोई नई बात तो नहीं कह रहे हैं, ये जिस इस्लाम की हम बात कर रहे हैं, टॉलरेंट इस्लाम, प्लूरल इस्लाम, रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, रिस्पेक्टिंग राइट टू फेथ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज से 50 साल 100 साल पहले का अगर आप इतिहास देखेंगे तो दुनिया में इसकी आपको अनेक जो है तो परंपराएं मिलेंगी। हमारे इस देश में जो तो अगर आप वो मुग़ल बादशाह कितने थे किसी मुसलमान से भी पूछें, पढ़े लिखे भी, तो मैं तो सबका नाम नहीं बता पाऊँगा, और मुझ जैसे पढ़े भी और लाखों करोड़ों में जो है तो अनपढ़ मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनको अजमेर शरीफ, ख्वाजा गरीब नवाज याद, उनको पंजाब में है तो बाबा फरीद याद है, उनको हज़रत निज़ामुद्दीन हो या दिल्ली में याद है, और स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे उनकी परंपरा वो परंपरा नहीं थी जो आज हम अपने बीच में देखते हैं सुनते हैं। तो हम उस पुरानी परंपरा जो व्यापक थी, जो सारे संसार में फैली थी, जो सदियों थी, उस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए जो है तो ये संस्था बनी है। 2 दिन के कॉन्फ्रेंस के बाद 17-18 को उसकी हम आपको सूचना देने आए हैं, और ये यहाँ पे 3 पेज का एक प्रेस रिलीज है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसका मैं मोटा मोटा जो हाईलाइट है कि मतलब हमारी सोच है वो तो अलग की बात है। शाहिद भाई आप, सॉरी स्टेज बहुत छोटा है मंच पर, यहाँ आप आ जाए, पटना से आए हैं शाहिद साहब, और यहाँ जी, यहाँ जी, शाहिद भाई पटना से आए हैं, मैंने जैसे कहा था शहनवाज साहब थे तो इलाहाबाद से आए हैं, 30-30 घंटे का ट्रेन का सफर करेगा, चेन्नई से लोग आए थे, दिल्ली से लोग आए थे, शोलापुर से लोग आए थे, कुल मिला के 10, पुणे से आए थे, कुल मिला के 10-12 अलग अलग शहरों से लोग जो इकट्ठा हुए थे। उन सब की 2 दिन की मीटिंग के बाद ये संस्था लॉन्च हुई, और बाकी पूरा तो आप प्रेस रिलीज पढ़िएगा, मगर इसमें जो हम क्या चाहते हैं आने वाले दिनों, सोच तो हमने बता दिया क्या हम करने वाले हैं, उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको पढ़ो, पढ़ो सकते। IMSD जो 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं, और कल हमने उसका लॉन्च किया है, तो कुछ मुख्य कार्यक्रम हम अगले आने वाले दिनों में IMSD की तरफ से कुछ मुख्य कार्यक्रम होंगे जिसका मैं आपके सामने बात करती हूँ। आपके नोट में भी है लेकिन फिर मैं बढ़ा देती हूँ। IMSD का ये मानना है कि जिस तरह से जुबानी तलाक, एक से ज़्यादा शादी और हलाला की जो प्रथा हमारे समाज में है और इससे औरतों के अधिकारों का हनन होता है, तो IMSD पूरे जो लगाकर ये प्रैक्टिस को ख़त्म करने की कोशिश में लगेगी। जिस तरह से औरतों के, मुसलमान औरतों के मुद्दों को पॉलिटिसाइज किया जाता है, अलग अलग जो संगठन हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो उसके ऊपर राजनीति करते हैं और वो राजनीति से जो औरतों का नुकसान होता है, तो हम उसके पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि उसका राजनीतिकरण ना हो और औरतों के अधिकारों के तरफ हम सब मिलकर काम करें।
मुस्लिम समाज के अंदर जो खास एक वर्ग है, एक ग्रुप है जिसमें औरतों की खतना की जाती है, तो उस प्रथा के भी खिलाफ IMSD आगे काम करेगी। पूरे ही मुस्लिम औरतों के जो पारिवारिक कानून के मुद्दे हैं उसको लेकर हमारी ये डिमांड है कि मुस्लिम पारिवारिक कानून का कोडिफिकेशन हो, जो औरतों के अधिकार उसके मज़हब में दिए हुए हैं, जो इस्लाम में दिए हुए हैं और जो संविधान में उसके अधिकार निहित हैं, उसके आधार पर मुस्लिम पारिवारिक कानून का विधिकरण हो। इसके साथ साथ मुसलमान औरतें मस्जिद में उनको जाने का हक मिले, दरगाहों पे जाने का हक मिले, कब्रिस्तान में जाने का हक मिले, इस तरह की डिमांड भी IMSD की तरफ से हम रख रहे हैं। इसके साथ साथ जिस भी ग्रुप ने एक मजहब के आधार पर राजनीति की है, चाहे वो इस्लाम हो या कोई और हो, उस तरह की जो मेजोरिटेरियन स्टेट की हम जो बात कर रहे हैं उसके हम खिलाफ है, हम उसे रिजेक्ट करते हैं। वहाँ पर इंसानी हकूक पहले हो और ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पहले आए और इंसानी हकूक चाहे वो किसी भी मजहब के लोग से मिले उसको प्राधान्य मिले, खासकर सरकार की तरफ से ऐसा हमारा मानना है। इस्लाम के नाम पर जो एक कट्टरवाद सोच हमारे समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर जो बढ़ती जा रही है, हम उसका भी निषेध करते हैं और हर तरह के इंटॉलरेंस और कट्टरवाद के खिलाफ हम लोग जो इस्लाम के नाम पर लड़ाई किए जाते हैं उसकी निंदा करते हैं और उसके खिलाफ काम करेंगे। जिस तरह से मुस्लिम समाज के ऊपर एक अटैक हो रहा है, जिस तरह से मुसलमान युवाओं को पुलिस हैरेस कर रही है, सरकार हैरेस कर रही है, हम उसका भी निषेध करते हैं और मुसलमान युवकों को एक सुरक्षित वातावरण मिले जिसमें वो तरक्की कर सके, हम उसकी डिमांड करते हैं। हर तरह के भेदभाव जो मुसलमानों के साथ होते हैं वो भी बंद हो जाए। और आखिर में जो इस्लाम हम जानते हैं, जिसकी एक इंसानी व्याख्या हम करने की शुरुआत किए हैं, इस्लाम इंसानी हकूक का मज़हब है, इस्लाम मर्द और औरत की बराबरी का मज़हब है और इस्लाम के अंदर जो इक्वालिटी, जस्टिस और कंपैशन की जो बात है, जो ट्रेडिशन है, जो इस्लाम को हमने दिया है और जो हमने सीखा है उसको फिर से रिवाइव करना और एक ऐसे समाज में हम रह रहे हैं जहाँ पर हर मज़हब, हर जात, हर किस्म के लोग रह रहे हैं, हर एक के साथ भाईचारे बहनचारे के साथ हम मिलकर रहें, ये हमारा हमारी सोच है और उस पर काम करेंगे। सो वी हैड अ कॉन्फ्रेंस, टू डे कॉन्फ्रेंस ओवर द वीकेंड एंड वी हैव डिसाइडेड टू लॉन्च दिस प्लेटफॉर्म विच ब्रिंग्स टुगेदर Muslims as well as others who are in keeping with the values and principles enshrined in the Constitution and are yet willing to work for change as well as be critical about the practices and the trends that are evident in the Muslim community in our country today, and based on these principles we have come up with our resolution. It is quite a detailed resolution which I will it is there for you to read and take back and share through your writing and articles, but our main point is that it is time for our voices to come together on this common platform, and we are committed to take this forward and these demands that Noorja, or the points that Noorja had mentioned, will form our action plan for the next phase. So these are our action points around which we will engage in different kinds of activities, writing, legal action and whatever other actions that we might feel necessary to support the people who are at the receiving end of some of the oppression and the difficulties that we see today.
So these are the points: abolish triple talaq, halala, polygamy. This will be our action point. Stop communalizing, politicizing gender justice issues. Ban female mutilation and female genital cutting. Codify Muslim personal law. Muslim women have right to pray inside mosques. Women's right to equal access to dargahs, kabrastans. IMSD rejects all versions of majoritarianism, theocratic state in India and elsewhere. Condemn all acts of intolerance, extremism, terrorism in Islam's name. Stop discrimination and attacks on Muslims. Rejuvenate Islam's tolerant traditions. So these are the principles, these will be our action points, and we will develop different strategies to be able to achieve and to take this and reinforce this and be a strong voice in the country of Muslims as well as supporters of such of these principles. जेंडर जस्टिस का सवाल है और ट्रिपल तलाक पॉलीगैमी हलाला का सवाल है. जो तीन औरतें सुप्रीम कोर्ट में गई है तो आईएमएसडी की तरफ से ये हमारे बीच में चर्चा चल रही है और संभावना है कि आईएमएसडी भी इंटरवीन करे सुप्रीम कोर्ट में वो तीन औरतों के पक्ष में. जो और जो मुद्दे इसमें जो गंभीर मुद्दे हैं, खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदरूनी जो सवाल है जिसपे जो चर्चा में भार लाना चाहते हैं, और वो जाकिर नायक के ज़रिए से जो बाहर बातें आई थी कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये जो एक बहुत बड़ी कमी है, जो दूसरे मज़हब को मानने वाले लोगों को आप काफिर कहेंगे, फिर आप अंदर आते आते बाकी के फिरकों को काफिर बोलेंगे, तो ये जो पूरा माहौल है कम्युनिटी के अंदर का और ये जो पूरी समझ है उसके भी खिलाफ़ हम लोग लड़ना चाहते हैं. और जाकिर नायक जैसे लोग जो भारत की संविधान की दुआई देंगे, सेक्युलरिज्म की दुआई देंगे, मगर पूरी दुनिया भर में इस्लामिक राष्ट्र बने, इस्लामिक स्टेट बने, ये काफ़ी मुस्लिम तंजीमों की समझ है. इसलिए हम लोगों ने एक क्लियर कट पोजीशन लिया है कि वी स्टैंड फॉर अ सेकुलर डेमोक्रेसी. हम लोग थियोक्रेसी के विरोध में हैं, चाहे वो इस्लामिक थियोक्रेसी हो, हिंदू राष्ट्र हो, जूश राष्ट्र हो, ईसाई राष्ट्र हो या सिख राष्ट्र हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, चाहे वो ईरान में. उस पर हम लोग बहुत क्लियर है कि धर्म के आधार पर राष्ट्र की कल्पना का हम लोग विरोध करते हैं. हम लोग एक सेकुलर डेमोक्रेटिक राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि जब हम लोग माइनॉरिटी में होते हैं तो हम लोग सेकुलर की बात करते हैं, जब मेजॉरिटी में होते हैं तो फिर इस्लामिक राष्ट्र की बात आ जाती है. तो ये एक मुद्दा था. तीसरी बात की जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो कट्टरवाद की धारा बढ़ रही है मुस्लिम समाज में, और ये ग्लोबल मसला है, जिस प्रकार से हम लोग हिंदुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, सभी डेमोक्रेटिक जनवादी आंदोलन मिलकर जो जिस प्रकार से हिंदुत्व के खिलाफ हम लोग संघर्ष करते हैं, वैसे ही हम लोग को मिलकर मुस्लिम कट्टरवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करना होगा. आखिरी बात साथियों कि खास करके ये सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज और सेकुलर संगठनों के लिए हम लोग के लिए संदेश आया है कि अभी जो परिवर्तन की लहर मुस्लिम समाज में आ चुकी है, और वो परिवर्तन की लहर ज़्यादा करके मुस्लिम महिलाओं के कारण वो हो रही है. जो पिछले कुछ सालों में देखा है कि बम्मा हो या उस किस्म के और आंदोलन हो, चाहे नूरजा हो या जीना चौकत लिए हो, उस किस्म के इंटेलेक्चुअल्स और मास लीडरशिप से जो परिवर्तन आ रहा है उसमें अभी सेकुलर पार्टीज कृपया करके ये परिवर्तन को ना रोके, और अपनी वोट बैंक राजनीति के कारण ये बार बार ना बोले कि जब तक आवाज़ कम्युनिटी के अंदर से नहीं आएगी. कम्युनिटी के अंदर से ज़ोरों से आवाज़ आ रही है, मर्द और औरतें मिलकर सड़कों पे आ रहे हैं और ये परिवर्तन आ रहा है. और उसके साथ बीजेपी को भी बोलना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी राजनीति मत कीजिए, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो परिवर्तन गुंजाइश है वो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कम्युनिटी के अंदर के संघर्षों के माध्यम से. तो ये कुछ और बातें आपके सामने. धन्यवाद. अभी कुछ सवाल है? सवाल है आपके. महिला आंदोलन, महिलाओं का इस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर गवर्नमेंट,
आज की तारीख में ये जहाँ तक पहले आपका जो सवाल था कि जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन पिछले सालों से लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, इश्यूज़ उठा रही हैं और अनकरी में भी हाजी लेकर था, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो क्या आईएमएसडी उसका एक्सटेंशन है? तो आईएमएसडी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन और बाकी मुस्लिम महिला आंदोलन जो जो डिमांड कर रहे हैं महिला के न्याय के लिए, हम उसका भरपूर समर्थन करते हैं, मगर महिला आंदोलन के नाते वो खास तौर से महिलाओं से रिलेटेड जो सवाल था वो उनके हर दिन के प्रश्न होते थे और होते हैं, आगे भी होंगे, जिसका हम समर्थन करते हैं। आईएमएसडी जो है तो ये उसके आगे बढ़ के जो है तो सिर्फ महिलाओं का सवाल वो तो है ही, उसके आगे अगर हमारे तीन जो मुख्य एम है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो सारे मुस्लिम समाज के ऊपर जो है तो जो अटैक हो रहा है राइट विंग हिंदुत्वा फोर्सेस से, वो तो सारी कम्युनिटी झेल रही है और उससे लड़ने के लिए बहुत सारी तंजीम है वगैरह वगैरह, पर जो मुस्लिम कम्युनलिज्म है, जो मुस्लिम एक बना हुआ माइंडसेट है, जो हम मुस्लिम कहते हैं, तो हम आपको फिर से याद दिलाएं कि मैंने शुरू में कहा कि जिस तरह सब हिंदू एक जैसे नहीं होते, देर आर मेनी हिंदुइज़म्स, उसी तरह देर आर मेनी इस्लाम्स। आईएमएसडी मेनी इस्लाम्स की बात करने के लिए खड़ा हुआ है, उनमें से हमारा एक इंटरप्रिटेशन, ना हम किसी को फतवा देंगे कि उनका उनका तरीका गलत है, हम उनका इस्लाम गलत नहीं बोले, उनका तरीका गलत है, वो हमारे इस्लाम की समझ से बिल्कुल अलग है। हाँ, तो जो अपने आप को मुसलमान कहता है वो मुसलमान हो, मुसलमान है, पुरुष हो या महिला हो। आपने जो नंबर पूछा कि नंबर कितने बड़े, तो आपको तो पता है, पहले आपने पिछले महीनों में सुना होगा भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से कि उनकी संख्या जो है तो लाख पूरे देश में, उसका 10% करेंगे तो हो जाएगा 10,000, उसका 1% करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,000, और उसका भी 1% हो जाएगा तो 100। आईएमएसडी की संख्या जो है तो 100 लोगों की है। आईएमएसडी की का कंसर्न आईएमएसडी के सामने इस समय मेंबरशिप बनाने की नहीं थी, आने वाले दिनों में ज़रूर होगी। बम्मा के बहुत सारे उसमें मेंबर हैं, हमको बताते हुए ये खुशी होती है कि 200 के आसपास जो थोड़ा ऊपर जो मेंबर है उसका करीब करीब 50% वीमेन हमारे संगठना आईएमएसडी की ये भी पॉलिसी है कि मेंबरशिप के लेवल से लेके ऑफिस बैरन्स तक हर एक स्तर पे, सिटी चैप्टर हो, स्टेट यूनिट हो या नेशनल यूनिट हो, हर जगह के कमेटी में, चैप्टर में, स्टेट लेवल कमेटी में, नेशनल लेवल काउंसिल में महिलाओं का कम से कम 33% जो है तो रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए एट द मेंबरशिप लेवल राइट अप टू द ऑफिस बेरर, ठीक है, कम से कम 33% होना। 100% जो है तो सिर्फ पूरी संख्या मुस्लिम वेमेन की है ऊपर से नीचे तक, तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये है कि आईएमएसडी का एजेंडा बम्मा जैसे उससे ब्रॉडर एजेंडा है, बम्मा उसको उस प्रोसेस में लगी हुई है, नूरजहां आपके सामने बैठी है, जकिया सोमन जो है तो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो इस समय नंबर का सवाल नहीं था, इस समय हमारी जो है तो सोच को क्लियर करने का कि हम एक नई मस्जिद क्यों खड़ा करना चाहते हैं, ये नई संस्था क्यों, हम दूसरों से अलग कैसे हैं, और हम क्या कुछ एक नया एकदम से नया ईजाद करके डिस्कवरी करके आप लोगों के सामने आए हैं, या कि हम याद करने आए हैं उस लंबी सेंचुरीज ओल्ड परंपरा को जिसमें सहिष्णुता, जिसमें भाईचारा, जिसमें नो कंपल्शन इन फेथ वगैरह वगैरह जो लंबा ट्रेडिशन है, हम अपने आप को उनसे जोड़ते हैं, हमारा ISIS बोको हराम वगैरह से कोई लेना देना नहीं। IMSD की जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड, जमात इस्लामी और जितना चाहिए आप सब नाम गिन लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज में OIC की पार्टी, मुस्लिम लीग की पार्टी,
उनकी सोच से बिल्कुल अलग। मेरी मालूमात में उनमें से आज तक किसी ने ये डिमांड नहीं उठाया है, फॉर एग्जांपल, कि औरतों को हक है मस्जिद में जाने का। 6 महीना साल भर पहले जब वो केस चल रहा था बम्बा का, तो बम्बा के सपोर्ट में उस समय तो तत्कालीन जो तो हाजी अली सप्ली बनी थी कि वुमेन हैव अ राइट, वुमेन ऑफ ऑल रिलीजन्स हैव राइट टू इक्वल एक्सेस टू सेक्रेट स्पेसेस। अब हम उस वक्त मस्जिद का इशू नहीं था, हम आज मस्जिद के इशू की बात शुरू कर रहे हैं। खाली बोल के चुप नहीं बैठेंगे, आगे आने वाले दिनों में आप शायद इसके बारे में और सुनेंगे। तो इस दिस इज हाउ IMSD इज डिफरेंट फ्रॉम दिस थिंग। देर आर पीपल फ्रॉम मेनी सिटीज हु हैव कम फ्रॉम ग्रास रूट्स टू इंटेलेक्चुअल्स। यस, आई हैव टू क्वेश्चंस। First is, you know, you already had Muslim for Secular Democracy. So now you have renamed it Indian Muslim for Secular Democracy. Is it because you want to sound more nationalist? Because nationalism is, you know, flavor of the season. Flavor of the season. So you wanted to be called Indian Muslims. That's first question. Second question is, you know, as far as access to mosque is concerned, I don't think any mosque stops women, you know, in India also, but, you know, because if they have the... Let us try and go together. The problem is that, you know, if you make a provision over there, you can ask the mosque trustees that, you know, let us make a provision for the woman. Nobody says that the woman can't come and pray. They can come. There are many mosques in India. Where they go? They go and pray. So if there is a space, you know, for them, they create a space. The problem is the space. In fact, I know one engineer, one architect, who kind of, you know, designs mosques only when there is a space for women. He has taken up his job that he will create or design mosques only when the trustees agree to his agenda that, you know, you have a space. So, especially create, you know, that kind of mosque. So, I don't think any mosque stops women from coming. The only problem is that they will say that, you know, we don't have a space. You know, we can create a space. So, if you create a space, then we will allow it. Sure. I just want to focus on the first question about humne Muslims for Secular Democracy ko पुनर्जीवित करने में उस इंडियन को ऐड कर दिया, इसलिए कि फ्लेवर ऑफ द सीज़न है, इसलिए कि किसी को खुश करना है। मोदी चाहते हैं, प्रवीण तिवारी चाहते हैं, मोहन भागवत चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2003 में जब हमारी संस्था बनी थी मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी, उस वक्त धोरण जो हमारे तबके थे करीब करीब वही आज भी। बीच में जो है तो कई कारणों से वो संगठना इनएक्टिव हो गई थी। हमें पिछले साल दो साल में हम जैसे लोगों को, हमें इंडिविजुअली नहीं, इस शहर में भी, इस शहर के बाहर भी ज़रूरत लगी कि इस तरह की संस्था की दिन ब दिन ज़रूरत बढ़ती जा रही है, तो इसको वापस रिवाइव करना चाहिए। तो रिवाइव कर लीजिए मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी, ये इंडियन लाने की ज़रूरत क्या हुई। तो उसमें 2003 में मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी बनी। 2007 में ब्रिटेन में ब्रिटिश मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी बनी, और जिन लोगों ने वो बनाया, मैंने उनके मुंह से सुना है जब मैं गया था यूके उनसे मिला कि हम आपके मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी से प्रेरित होके जो है तो हमको बहुत अच्छा लगा का डैम गुड आइडिया हमने भी। तो हमने ब्रिटिश MSD हियर, MSD देर, तो ब्रिटिश मुस्लिम्स फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी ने ब्रिटिश ऐड कर दिया। फिरोज को ये बात अपनी शुरू हुई थी तो पहले दिनों से कह रहे थे कि मस्त किया पाकिस्तान मुस्लिम सेकुलर डेमोक्रेसी, बांग्लादेश मुस्लिम ये उड़ते रहते हैं। हाँ, तो ये लगा कि दिस इज नॉट अ बैड आइडिया। और दूसरी बात तो ये एक पहली वजह हो गई द ब्रिटिश मॉडल का, एंड बिकॉज फिरोज इमीडिएटली स्टार्टेड थिंकिंग इंडियन, तो व्हाई नॉट बांग्लादेश, व्हाई नॉट अफगानिस्तान एटसेट्रा एटसेट्रा। द सेकंड रीजन इज इट इज एलिज हमारे ऊपर ये बार बार मुसलमान के ऊपर बार बार इल्जाम लगा रहता है कि तुम इंडियन फर्स्ट हो के मुस्लिम फर्स्ट हो, तुम ये फर्स्ट हो के सेकेंड वो हो, तुम्हारे तो राष्ट्रीयता पे, तुम्हारे राष्ट्र प्रेम पे हमको शक है।
तो अगर हम अमेरिका में ये बनाते हैं तो वहाँ पे शायद इसका नाम मुस्लिम अमेरिकन फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी होती, क्योंकि वहाँ बातों का तरीका वो होता है। यहाँ इत्तेफाक से हमने इंडियन मुस्लिम, इंडियन पहले आता है आमतौर से, तो इंडियन मुस्लिम और सेकुलर डेमोक्रेसी। तो अब हमसे कोई पूछे कि आप पहले इंडियन हो पहले मुस्लिम हो, ये सोच के फिर सवाल करें, सुप्रीम कोर्ट में तय करेंगे। तो सिर्फ औरतों के लिए दरवाजे खुले ही नहीं थे, बल्कि जो है तो इतना तक हुआ था। अभी ये बात सही कि थ्योरी सब जगह जो नो ऑब्जेक्शन, इन प्रैक्टिस ये भी बात सच है कि कुछ मस्जिदों में तो बहुत सालों से नमाज औरतें जाती हुई पढ़ती हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से अगर आई एम राइट कश्मीर की कई मस्जिदों में, जामा मस्जिद दिल्ली में, अहले हदीस की जो मस्जिदें हैं वहाँ पर शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों में, जमात इस्लामी ने शुरू किया है अनाउंस करके, मगर ये शुरुआत हुई। अभी मैं आपको बताता हूँ, आज से 8 साल पहले हम और हमारे एक मित्र बैठे थे जमीयतुल उलमा हिंद के टॉप के जो 5 अगर 10 लीडर गिने हैं, क्योंकि वरना फिर आप नाम सोचना शुरू कर देंगे, तो उनमें से तुलसे हम दोनों ने पूछा कि ये बताएं आप कि जो मौलाना साहब कि ये मस्जिद में औरतों का अलाउड क्यों नहीं है। उन्होंने बोला किसने बोला नहीं अलाउड है, उन्होंने बोला अलाउड अगर अलाउड है तो फिर दिखती क्यों नहीं, क्या औरतें जाना नहीं चाहती। तो उन्होंने बोला नहीं भाई देखिए इसमें ऐसा है कि ये महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। तो जैसे ही उन्होंने कहा, हम दोनों ने उनको रोक दिया, बोला आप एक मिनट लिए यहीं रुक जाइए और ये हमको समझाइए, हमारे समझ के बाहर है कि हम जैसे पापी गुनहगार लोगों के घर में जो तो औरतें आती हैं, जवान आती हैं, बूढ़ी आती हैं, रात में आती हैं, दिन में आती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, उतना खूबसूरत नहीं तो भी खूबसूरत होती हैं वगैरह वगैरह, वो अपने आप को हम जैसे गुनहगार, हम दोनों जैसे गुनहगार पापियों के घर में आने में उनको कोई इनसिक्योर फीलिंग नहीं होती। अल्लाह के घर का घर, मस्जिद को अल्लाह घर बोलते ना, हौज़ुल्लाह जो आपकी निगरानी में है, उसमें औरत असुरक्षित है, आपको शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? तो ये जो प्रोविजन की बात की, हो सकता है व्हाई इज इट नॉट देयर, किसकी जिम्मेदारी कई मस्जिदें हैं शोलापुर में जहाँ मैं गई हूँ, जहाँ मैं मस्जिद में जाके मैंने नमाज पढ़ी है जयपुर वगैरह में, लेकिन कई ऐसी मस्जिदें हैं इन बॉम्बे जहाँ पर मुझे रोका गया है। तो ये कस्टीज और मैनेजमेंट के डिस्क्रिशन पर है, वो अलाउ करेंगे तो जाएंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे नहीं जाएंगे। तो ये जो है ना कि कौन तय करेगा कि औरतें जाएंगी या नहीं जाएंगी, जैसे दरगाह का मसला, तो दरगाह है कई दरगाहों में औरतें आज भी जा रही है, पहले भी जा रही है। इशू मान लें क्या कि ये बड़ी मस्जिद है, सपोज ये जामा मस्जिद यहाँ की वहाँ के जो एतराज़ की औरतें उनको अगर आपने मोबिलाइज किया कि नहीं साहब हम लोग को भी जाना है पढ़ने का है नमाज, तो देन दे विल बी फोर्स टू डू दिस समथिंग अबाउट इट, वो कहीं जहाँ साहब औरतों की डिमांड है। तो मोहल्ले वाली जो मस्जिद है योगेश्वरी में हो, यहाँ हो, वहाँ हो, वहाँ कहें कि अगर आपका दूसरा कोई इंतजाम नहीं हो सकता है तो दो इंस्टॉलमेंट में नमाज पढ़े जाए, दूसरी जमात करिए। या जैसे दरगाहों के बाहर लिखते औरतें नहीं आ सकती है, वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लिख दीजिए मस्जिद में फला फला टाइम नहीं। हमारा सवाल उनके माइंड सेट से, साहब हमने तो औरतों को पूरी बराबरी दे रखी है, तो पहले दिन से प्रॉब्लम क्यों नहीं? अदर क्वेश्चंस प्लीज, एनी अदर क्वेश्चंस? सॉरी, या टू क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज दैट आई मीन द फॉर्मेशन ऑफ IMSD, डू यू थिंक दैट इट कम्स आउट ऑफ अ मोर इंक्रीजिंग नीड टू प्रूव द सेक्युलरनेस फॉर द मुस्लिम्स? Whether the formation of IMSD comes out of an increasing need for Muslims to prove their secularness? And the second question is, what is your exact stand on Uniform Civil Code? Can you please again clarify? I couldn't get it the first time. As far as the first question is concerned, the need for Muslims to prove their secularness or whatever it is. First of all, as the previous question and my response has showed you, Muslims for secular democracy pehle bani thi 2003 mein, और उस वक्त भी जो है तो
हमको जो है तो किसी ने हमसे डिमांड नहीं किया था, डिमांड होते रहता है कि मुसलमान ये भी प्रूव करें, वो भी प्रूव करें। हमसे जो पूछता था, हम पहले कहते हैं आप अपना प्रूव करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म आ गया देश आज़ाद होने के बाद। आज़ादी में जो जिनका बड़ा बड़ा हाथ था, बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। आज़ादी की पूरी परंपरा में आप कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं RSS की बात कर रहा हूँ, संघ परिवार की बात कर रहा हूँ। वही आमतौर से इस देश में, बाकी इस्लामों को दुनिया भर में मुसलमान ये हैं क्या, वो भी प्रूव करें, वो भी है क्या प्रूव करें। तो पहले वो प्रूव करके दिखाएं कि वो कैसे देशभक्त हैं और कब से हो गए देशभक्त, तब फिर वो अपना जवाब दे देंगे। जहाँ तक हमारा खुद का सवाल है, वो हमने शुरू में बताया, डिटेल में बताया, अब हम खाली संक्षिप्त में बताते हैं कि हमारी खुद की समझ में इस देश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आज भी मुस्लिम मजॉरिटी जो है तो वो सेकुलर सोच रखता है। उसमें से करोड़ों ऐसे होंगे जिन्होंने शायद आज तक सेकुलर शब्द का नाम ना सुना, ठीक है, मगर जीवन उसका जो था, आप जीवन उसके देखिए तो आपको वो सेकुलरिज्म साफ झलकेगा। जिस तरह से इस देश के मजॉरिटी हिंदुओं को देखिए तो भी आपको वही देखेगा। प्रश्न ये था कि बार बार जब सवाल में आता है, ये मीडिया का ज़माना है और ये एक लेवल पे ISIS और बोको हरम और अलकायदा का ज़माना है, दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल वॉर का ज़माना है, तो वो जितने बार एज मुस्लिम इस्लाम के नाम पे जो इमेज पेश करते हैं वो इस्लाम उससे बदनाम होता है, उसका फ़ायदा किसी को नहीं होता है। तो हम जो व्यक्तिगत आज तक बोलते रहे हैं उसको जो है तो हम इस प्लेटफॉर्म से को बना के खड़े होके बोले कि वी आर इक्वली कमिटेड टू सर्टन वैल्यूज विच आर दोज ऑफ इक्वालिटी, विच आर दोज ऑफ पर्सनल लिबर्टी, विच आर दोज ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड कॉन्शियंस, जेंडर जस्टिस एक्सेट्रा, विच इन आर व्यू आर एम्बेडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारी समझ में भारत के संविधान में भी है, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी वही बातें हैं, और हमारे जो इस्लाम की समझ में है, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम का स्तंभ भी यही है। तो ये मैसेज सेंड आउट करने के लिए हमने बनाया, सेक्युलरिज्म अपना प्रूव करने के लिए नहीं। अच्छा आप कब्रस्तान इज एनी ग्रेवियर्ड द सेमेट्री जस्ट सेमेट्री सो इज इट ओनली द एक्सेस और इज इट आल्सो नथिंग इन द ग्रेव नो नो एज ऑफ नाउ आज की तारीख में भारत में बहुत सारी जगहों पे कब्रिस्तान में औरतों को अलाउड नहीं है। कहते हैं कि कब्रिस्तान में औरतों का आना इस्लाम के लिहाज से मना है। हम वो नहीं मानते, हम मानते हैं कि औरतों को कब्रिस्तान में दखल होना जहाँ पे उनके माँ बहन भाई फादर दादा नाना नानी वो है, जिस तरह से मर्द याद करने के लिए जाते हैं, ज़ियारत करने को कहिए, याद करने को कहिए। और सबसे बड़ी बात, पैगंबर साहब ने ये कहा था कि कब्रिस्तान जाया करो किसके लिए, इबरत हासिल करने के लिए, ये याद करने के लिए कि एक दिन मैं भी यहीं पे पहुंचूंगा या पहुंचूंगी और तुम्हारा अच्छे और बुरे का हिसाब होगा। तो ये तो पैगंबर साहब ने कहा, बीच में मुस्लिम पुरुषों और उनके संस्थाओं ने यह तय कर लिया कि ये इबरत की ज़रूरत सिर्फ जो है तो मर्दों को है, औरतों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि औरतें तो गुलाम है ही, तो जैसे जैसे बुद्ध कहते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। तो वी वॉन्ट एन एंट्री, अगर कल की तारीख में कब्रिस्तान में ये यहाँ होता है वहाँ होता है तो वो ऑल इक्वल राइट्स ऑन पार वाला है। तो कब्रिस्तान के अगर कानून कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों के लिए समान है तो हम उसका देखेंगे। जिस तरह से नूरजहाँ जी ने एफर्ट लगाई और कोर्ट जाने के बाद हाजी अली के एंट्री व्यवस्थित हो पाई, जो क्या मॉस्क मस्जिदों में स्टूडेंट्स की एंट्री को लेके
कुछ ऐसा आपका ऑर्गेनाइजेशन कॉन्क्रीट कदम उठाया जैसे मुद्रा जी के एक्शन ने मेटलाइज किया अपने कार एनजीओटी और सेकेंड जो एक जमात में उसी जमात में फीमेल जनरल्स मोटिवेशन जैसे फीमेल प्रैक्टिस उसे रोकने के लिए कैसे स्पेसिफिकली आप ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्शन आगे करेंगे जिससे दोनों चीज़ें सुनिश्चित हो कोशिश करूंगी क्या एक तो कि हमें लग रहा है कि जो भी महिलाएं की जो जेंडर जस्टिस की जो लड़ाई है तो बहुत सारे और भी लोग हैं पुरुष भी हैं जो समर्थित है जो चाहते हैं कि औरतों को जस्टिस मिले इक्वालिटी मिले तो क्यों ये उनकी लड़ाई सिर्फ महिला ही क्यों स्ट्रगल करती रहे और इतना तकलीफ उठाती रहे स्ट्रगल भी करती रहे उसको मिलता भी नहीं है और फिर उस पर दोष और अलग अलग इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो एक जो कोशिश रही है कि और भी लोग ये विषय के ऊपर अपनी आवाज़ उठाए उनको सपोर्ट दें तो IMSD एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक अलायंस बना सके हम ये अलग अलग इशूज़ को लेकर तो महिला के इश्यूज़ बहुत सेंट्रल है वो IMSD जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़े मेंबरशिप लेके IMSD में उनका एक कोर पिलर है मगर साथ साथ में और भी बहुत सारे इश्यूज़ है जो महिला भी उठाना चाहती है और पुरुष भी है जो महिला के इश्यूज़ के बारे में उठाना चाहती है तो ये कोशिश है कि एक कलेक्टिव वॉइस ऑफ Muslims who are wanting to define themselves as Indian Muslims for secular democracy can come out in a strong force. So, ये एक कोशिश है. Sorry, again asking, जिस तरह की practice female genital mutilation जैसे cruel है Indian democracy का court जाएंगे तो obviously इसका रोक लगेगा. लेकिन अभी तक इस तरह के steps हैं नहीं हैं. इस तरह से होता है. तो ये क्या कहूँ? Planning के लिए अपने organisation की intuition तो अभी लॉन्च हुआ है ना तो इसके प्रोग्राम्स को और कैसे हम शार्प करेंगे हर एक इशू पर हम कौन से प्रोग्राम्स चलाएंगे तो उसको तो हमको जन्म दिए और जो महिला साथी फीमेल जेंडर म्यूटेशन में काम करी वो हमारे आंदोलन का हिस्सा है और उनके साथ संघर्ष और रणनीति बन रही इसी मुद्दे को लेकर इसमें एक सेंटेंस और जोड़ना है कि भारतीय महिला आंदोलन का मुस्लिम महिला आंदोलन का कई सालों से एक स्लोगन रहा है जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई हम उस स्लोगन का भरपूर स्वागत करते हैं ठीक इसी तरह से फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की जो आप बात कर रहे हैं सहयोग नाम की संस्था यहाँ पे जो है तो है एक तो हम उनकी आवाज़ मिलाएंगे और हम उसके कॉम्पिटिशन में जाने का न बम्मा के न उनके कभी सवाल ही नहीं पैदा होता उनके साथ में है उनको किस तरह का सपोर्ट चाहिए कब सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे हम साथ में मिलके IMSD प्लेटफॉर्म से काम करेंगे IMSD बम्मा मिलके IMSD सहयोग मिलके काम करेंगे Can we hold up? Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you all. Right. So I want to